नमस्कार, चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। चांद धरती से चाहे जितनी दूर हो, लेकिन धरती पर मानव के रिश्ते उससे बहुत प्रगाढ़ हैं। बचपन में जो चांद मामा बनकर आते हैं, वही चांद यौवन की दहलीज पर पांव रखते ही महबूबा के रूप में नजर आने लगते हैं। हर दिन घटता बढ़ता चांद हमारे विश्वास में, हमारी कल्पना में, हमारी आस्था में हर रूप में मौजूद है। साहित्य और कविताओं में चार चांद लगाने वाला चांद वास्तव में कैसा है, इसको जानने की मानव मन की हमेशा कोशिश रही है। और यही कोशिश भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जब मूर्त रूप ले रही है, तो दुनिया में भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक इबारत लिख रहा है। मिशन चंद्रयान 2 हमारे वैज्ञानिकों की मेधा का एक अप्रतिम उदाहरण है। चंद्रयान 2 के श्रीहरिकोटा से शुरू हुआ सफर 29 दिन बाद आज चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। यह एक जटिल प्रक्रिया थी। अब इंतजार है 7 दिसंबर का, जब यह यान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। यह एक खुशी का पल होगा, क्योंकि किंवदंतियों, कहानियों, कविताओं के चांद पर हमारा यान होगा। चंद्रयान मिशन 2 की सफलता की ओर बढ़ते कदम पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिरुद्ध उनियाल जी, जो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में हैं। इसके अलावा डॉक्टर भरतराज जी हैं, और साथ में पीके सिंह जी हैं। आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पीके सिंह जी, आपसे ही हम चर्चा शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहले तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार जो है, इसरो की यह कामयाबी, आखिर चंद्रयान का पूरा मिशन जो है, किस तरह से आवश्यक है और क्यों यह उपयोगी है? देखिए, जो चंद्रयान 2 है, बड़े दमखम के साथ और जोर के साथ जी इसने आज अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जी। और जहाँ तक ये प्रश्न उठता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है, तो ये सर्वविदित है कि चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी के सबका सबसे नज़दीकी उपग्रह है जी। एक बार वहाँ पहुँच जाने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें, खासकर चंद्रमा से अगर हम लोग अपने आप को स्टेशन कर पाएंगे, चाहे वो अपने रोवर्स के थ्रू ही जी, तो कुछ अनसुलझे रहस्य सामने आ सकते हैं। किस तरीके से हमारे पास चंद्रमा का क्रमिक विकास हुआ, या हमारे पास जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल में शुरुआत कैसे हुई, आगे चल के उसमें कैसे विकास हुआ, और अगर हम एक बार चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे तो वहां पे मौजूद जो क्रोटर्स, इसे गड्ढे सामान्य बोलचाल भाषा में कहते हैं, बहुत सी संभावना है कि उसमें मौजूद जीवाश्म हमारे पास सैकड़ों हजारों साल पूर्व जो उत्पत्ति हुई रही होगी सौर मंडल की, उसके बारे में भी हमें कुछ ना कुछ संकेत देंगे जी। अच्छा, दूसरी चीज ये रहती है कि आज ये जो मिशन है, ये चंद्रयान 1 का एक एक्सटेंशन है, उसी का विस्तार है। और चंद्रयान 1 में भी हम लोगों ने, जिसको 2003 में स्वीकृत दिया था तत्कालीन सरकार ने जी, और 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2009 तक इसका समापन हो गया था, तो उस समय हम लोग जिस स्टेज तक पहुंचे थे, लगभग उस स्टेज में हम आज वहां पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल डॉक्टर उनियाल, जिस तरह से आपने बताया कि इसकी ये उपलब्धि जो है एक राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के लोगों के लिए काफ़ी जो है उत्साह देने वाली है, और साथ में यह एक जटिल प्रक्रिया भी है। लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर भेजे गए एक यान को जो है नियंत्रित करते हुए धरती से, कैसे क्या कुछ है उसमें, क्या उपकरण है, किस तरीके से, तमाम सारी चीज़ें आ भी रही हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को अगर समझाएं। चंद्रयान 2 में मुख्यतः 3 चीज़ें हैं। एक ऑर्बिटर है जी, दूसरा लैंडर है और तीसरा रोवर है। ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में लगभग 1 वर्ष तक चक्कर लगाता रहेगा चंद्रमा के चारों ओर जी, और उसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हैं, लगभग 8 उपकरण या सेंसर लगे हैं जी। जो लैंडर है उसका नाम विक्रम रखा गया है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक प्रोफेसर विक्रम साराभाई के नाम पर जी। और जो लैंडर, जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। जो रोवर है वो लैंडर के अंदर एक इस तरह से होगा जैसे घोंसले के अंदर एक चिड़िया का एग होता है, और जब लैंडर उतर जाएगा उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा, तो रोवर उससे निकल के फिर चंद्रमा की सतह का आसपास के इलाके में परीक्षण करेगा जी, जहाँ पे वो लैंडर उतरेगा। तो अभी ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में घूमने लगा है, और इसमें कई तरह के उपकरण है, जैसे टेरेन मैपिंग कैमरा है जिससे चंद्रमा की 3D एटलस बन पाएगी जी, उसके क्रेटर्स के बारे में, उसके हाईलैंड्स के बारे में जानकारी मिलेगी, और भी ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा है इसमें। इसके अलावा सिंथेटिक एपर्चर रडार है ड्यूअल फ्रिक्वेंसी, जिससे कि चंद्रमा के ऐसे हिस्से की जो काफ़ी अंधेरे वाले हिस्से हैं वहाँ की भी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि रडार अंधेरे वाले हिस्सों को भी के भी चित्र लेने की क्षमता रखता है। तो इस तरह के कई सेंसर्स इसमें लगे हैं। जो इसका लैंडर है विक्रम, उसमें एक तो
चंद्रमा के भूकंपों को नापने के लिए एक उपकरण लगा है और एक चंद्रमा की जो सतह पे ऊपर रेगुलेट होता है उसके तापमान को मापने के लिए भी उपकरण लगा है। और जो रोवर है प्रज्ञान, उसमें इस तरह के उपकरण लगे हैं जिससे कि वो चंद्रमा की सतह पर उपस्थित आयरन, मैग्नीशियम इनका पता लगा सकता है, टाइटेनियम का पता लगा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर वी आर सिंह भरतराज जी, आपसे हम जानना यह चाहेंगे कि आज जो है जिस तरीके से कक्षा में प्रवेश किया चंद्रमा के चंद्रयान 2, काफ़ी सफल माना गया इसको, और आगे अब यह है कि जो भी नियंत्रण है इसरो का उस पर पूरी तरह से है, इसरो के वैज्ञानिकों का, और जिस तरह से यान के लिए उन्होंने परिकल्पना की थी किस तरह से इसको ले जाना है और उतारना है, उतारने का चरण अब शुरू होगा, तो अभी तक की जो सफलता है वह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कहें तो कितनी महत्वपूर्ण है। पहले तो मैं आज भारतवर्ष के सभी वैज्ञानिकों विशेष करके डॉक्टर सिवन और इसरो की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, और उसके साथ ही भारतवर्ष के सभी जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि चंद्रयान 2 अब इस समय आज 2:41 पर वो ऑर्बिटर उसके चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुँच चुका है, और एक सफल अभियान के रूप में करीब करीब अपनी जर्नी का उसने 80% काम कर लिया है। और इसके बाद अब ये जब ये 7 का इसका वहाँ पर रोवर का उतरने का है जी, तो उसके पहले करीब 4 पहले जी विक्रम प्रज्ञान जो है जी वो लैंडर जिसे कहते हैं वो अपने कक्षा में करीब 6120 किलोमीटर की स्पीड में एक ऑर्बिट 30 किलोमीटर × 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में वो घूमना शुरू कर दे, चक्कर काटना शुरू कर देगा, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ना है, तो और उसको बढ़ने के लिए फिर एक स्टेज ये भी आएगी, दूसरी स्टेज कि वो 526 किलोमीटर के स्पीड पर चलेगा और केवल चंद्रमा की सतह से 7.5 किलोमीटर ऊपर ही रहेगा जी। तो ये एक उसका फिर अगला चरण जो थर्ड होगा वो करीब करीब 331 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से रहेगा, और ये 5 किलोमीटर के सतह पर रहेगा। तो आप ये सोचिए कि जैसे हम लोग एक जिस वेलोसिटी से चल रहा उसको रोकते हुए धीरे धीरे उसको हम धरती पर, आप देखते हैं कि यहाँ वायुयान भी जब लैंड करता है तो उतरता है तो उसकी स्पीड काफ़ी कम कर दी जाती है, लेकिन वह वायुयान की स्पीड भी 7.5 से होती है, जबकि इसकी स्पीड अभी ऑर्बिटर से जैसे आप ये विक्रम प्रज्ञान निकले आगे बढ़ेगा तो 6100 की स्पीड में रहेगा, तो उसको ला करके इस स्पीड को हमें तब तक वहाँ पहुँचाना है कि जिससे कि कोई जर्क या कोई ऐसी चीज़ ना हो, और उसके आगे की प्रक्रिया जब हम रह जाता है 10 और उस पर, तो एक सेंसर उसमें लगा होगा, वो सेंसर उसको उसके 5 चलते रहेंगे और वो उसको असेस करेगा कि ये उतरने लायक सिचुएशन है कि नहीं, स्कैनिंग करेगा। हाँ, स्कैनिंग करेगा, अगर कुछ चीजें उसमें दिक्कत हुई तो फिर वो ऊपर उठ जाएगा, जब तक कि उसको ऐसी स्थिति नहीं पता लग पाएगी कि ये हमें, तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो वो नीचे फिर आएगा, और उसके बाद जो है रोवर उसमें से जो रोबोटिक है वो अपना आगे उतरेगा और उसके आगे की प्रक्रिया उसमें फिर चालू होगी। तो ये सिंह साहब, एक जिक्र बार बार आ रहा है कि साउथ पोल पर इसे उतारा जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बात हम जरूर जानना चाहेंगे, अक्सर जैसे कि मैंने शुरुआत में ये बात कही कि चंद्रमा जीवन में हमारे कई रूपों में विद्यमान रहता है, हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में विद्यमान रहता है, गुरुत्वाकर्षण की बात आती है जिसमें जिक्र आया कि पृथ्वी की कक्षा से ऑर्बिट से निकल करके अंतरिक्ष में जाना, अंतरिक्ष से चंद्रमा की कक्षा में जाना, और उस चंद्रमा का भी अपना गुरुत्वाकर्षण का जो बल है उससे किस तरह से जो है यान को बचाया गया और किस तरह से की वो प्रक्रिया रही होगी, आप भौतिकी से जुड़े हुए हैं तो जरूर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इस पर। जरूर, ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा जी, और खासकर ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के फैक्टर को भी ध्यान में लाने के लिए जी इसमें करने की ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी की जरूरत थी कि अब आप ये समझ लीजिए कि
अगर ये अपनी सामान्य गति से, जिस गति से ये रिवॉल्व, जिस गति से ये रिवॉल्व कर रहा है, अगर ये अपनी सामान्य गति से रिवॉल्व करता तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत चांसेस थे कि ये हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम जिसमें हम लोग इतना काम किया है ये इजेक्ट आउट हो सकता था, फेक उठ सकता था, अपने अंतरिक्ष से निकल, अपने ऑर्बिट से निकल कर ये अंतरिक्ष में खो सकता था। दूसरी तरफ क्या है कि अगर इसकी स्पीड एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से और कम हो जाती तो चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण है ये अपनी तरफ इसको खींच सकता था और खींचने पे तो पहुंच तो वहां जाता, लेकिन वहां पे वो एक जाके वो टकरा जाता और हमारा पूरा पूरे सिस्टम के अबॉर्ट होने के आशंका थी। तो इसी को ध्यान में रखकर हमारे जो वैज्ञानिक है वो बधाई के पात्र हैं, नमन के पात्र हैं। उन्होंने इतना बढ़िया अपना कैलकुलेशन किया जो कि बहुत पहले से ऑफकोर्स चला आ रहा होगा और उन्होंने आपको देखा होगा उन्होंने रफ्तार को लगभग 90% रिड्यूस किया जो उसकी संभावित वेग था उसको उन्होंने 90% रिड्यूस किया और वो 90% रिडक्शन से ही वो से तुरंत वो जो उसकी संभावित ऑर्बिट जिसमें हम चाह रहे थे जैसा कि प्रोफेसर भरद्वाज सिंह साहब ने बताया कि 100x300 वाले ऑर्बिट में वो जाके अपने आप को प्रोपेल कर गया। ये इतना काम जब एक बार हो गया तो अब आगे वाला काम नो डाउट बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही आवश्यक है और आगे वाला जो काम है वो हमें दो चरणों में करना है। अब क्या होगा कि यहां से ये जो बताया जैसा कि अब हमारे पास कि जो लैंडर्स जिसको विक्रम नाम दिया गया विक्रम सराय नाम पे वो लैंडर्स और उसके अंदर एक कैविटी में रखा हुआ जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास रोबोट रखा है अभी पूरा सिस्टम है जो होल अब हमें इसको आगे थ्रो करना है जो 7 सितंबर है उसके 3 दिन पहले से ही हमारे पास ये एक्शन में आ जाएगा और वहां जाने के बाद खाली इसके अंदर जो रोवर्स है खाली उसी की भूमिका नहीं है ये जो बाहर से हमारे पास लैंडर्स है उसकी भूमिका है और इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन भेजना शुरू करेगा वो यही करेगा। और आप ये समझ लीजिए कि लैंडर्स की जो महत्ता है वो महत्ता हमारे पास इस प्रकार से है कि जो भी ये कोऑर्डिनेशन होगा किसके किसके बीच में एक हमारा जो कंट्रोल सिस्टम नीचे है इसके बीच में हमारे पास जो ऑर्बिटर्स है उसके बीच में जो हमारे पास रोवर्स जाएगा उसके बीच में इन तीनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा संभाले जिससे हमारे पास ATF होता है उसका काम ये करेगा और सारी इंफॉर्मेशन को वहीं से हमारे पास भेजेगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि चंद्रमा के सरफेस पे जो हमारा संभावित अभी टारगेट है वो टारगेट ये है कि चंद्रमा पे जो कैसे गड्ढे होते हैं उन्हीं गड्ढों में हमारे पास एक मैंजेनिस है और एक हमारे पास सैंपेलियस एन है। हमारी उम्मीद ये है कोशिश ये है कि इन्हीं दोनों क्रोटर्स के बीच में लगभग 70 डिग्री के आसपास अगर हमने लैंडिंग कराने में हम सफल हो गए तो हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और आगे वो भविष्य के लिए नए आयाम खोलेगी। बिल्कुल अंदर जी सतह की बात की डॉक्टर साहब ने और टोपोग्राफी बेहतर तरीके से आप जानते हैं क्या चंद्रमा का कल्पना की जा सकती है। अभी तमाम सारी सूचनाएं जब हमारा यान पहुंचेगा तो ऑथेंटिक रूप से आएंगी लेकिन उसके अलावा जो अभी तक की जानकारी और खोज है उसके हिसाब से क्या कुछ है। चंद्रमा के जो हिस्से पृथ्वी से देखने पे चमकीले दिखाई देते हैं जी उन हिस्सों को हाईलैंड्स कहते हैं जी और इनमें एल्यूमिनियम और कैल्शियम के सिलिकेट्स जी वाली चट्टाने होती हैं जी मुख्यतः और जो इलाके गहरे रंग के दिखाई देते हैं चंद्रमा पे उनको बेसिन्स कहते हैं और उसमें से जो कुछ बहुत छोटे आकार के हैं वो क्रेटर्स भी कहलाते हैं। सो अगर हम देखें चंद्रमा के जैसे अगर बिल्कुल पास जाके जो स्पेस मिशंस के चित्रों से जो पता चलता है तो चंद्रमा की पूरी सतह जो है ऐसे गड्ढों से जिनको क्रेटर्स कहते हैं भरी हुई है और कुछ गड्ढे तो बहुत ही सूक्ष्म है जो माइक्रोमीटर आकार के हैं और कुछ इतने बड़े गड्ढे हैं जो हजारों किलोमीटर व्यास के हैं। जैसे हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा क्रेटर जो है साउथ पोल एटकिन बेसिन वो लगभग 2500 किलोमीटर व्यास का है और लगभग 13 किलोमीटर गहरा है चंद्रमा की सतह से पे नीचे। सो इतना बड़ा क्रेटर जो है वो चंद्रमा की दूर वाले हिस्से में है। सो इस तरह के चंद्रमा पे जो 1 किलोमीटर से अधिक व्यास के भी लगभग 181,000 क्रेटर्स हैं। तो पूरी सतह चंद्रमा की क्रेटर से भरी हुई है लेकिन उसमें हाईलैंड्स भी हैं कुछ छोटे कुछ पहाड़ भी हैं और जो इस तरह के क्रेटर्स हैं कि जो कुछ मैदान है जिनको बेसिन्स का नाम दिया जाता है जो लगभग 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से ज़्यादा व्यास के हैं उनको हम बेसिन्स कहते हैं और इस तरह के बहुत सारे बेसिन्स चंद्रमा पे हैं लगभग 70 से ज़्यादा बेसिन है चंद्रमा पे। सो इनमें जो बेसिन्स में उनमें डार्क कलर्ड हमें मिनरल्स मिलते हैं और बेसिकली बेसाल्टिक जो रॉक्स हैं वो मिलती हैं लगभग इस तरह की चट्टाने हैं कि जैसे हमारे देश के सौराष्ट्र के क्षेत्र में है या एलोरा के इलाके में इस तरह की चट्टाने वहाँ पे हैं। बिल्कुल डॉक्टर भरतराज जी
बार बार यह बात आ रही है कि इसे साउथ पोल पर उतारा जाएगा, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं कि साउथ पोल पर ही हम क्यों जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम कहते हैं कि ये हमारे विश्व में भारतवर्ष ने ऐसी इस जगह को चुना है जो अभी तक कोई भी किसी भी देश ने, मुख्यतः अमेरिका हो, रशिया हो या चाइना हो, इस सरफेस पर वहाँ उतारने की या तो कहिए कि उन्होंने प्रयास नहीं किया या कहिए हिम्मत नहीं की जी। क्योंकि वो ऐसा है कि वो वहाँ पर डार्कनेस 14 दिन रहती है जी। और क्योंकि जो उसका एक्सिस है वो बहुत थोड़ी डिग्री ही पर टिल्ट है चंद्रमा की, लेकिन फिर भी वो 14 दिन का एक उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे में अगर हम वहाँ उतार रहे हैं तो 14 दिन तो हमारे बड़ी इफेक्टिव ढंग से हमारा ये प्रज्ञान भी काम करेगा और रोवर अगर उतर गया तो वो सारी चीज़ों को खोजबीन वो करेगा। अब रह गई बात कि उसमें अपेक्षाएं ऐसी हैं, जैसे पिछले हमारे अभियान चंद्रयान 1 में हम पूरे विश्व को पहली बार ये जानकारी दी गई कि भाई वहाँ पर पानी है और जब तक कि कोई भी देश वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो अभी हमारा तो पूरा दृढ़ विश्वास है, हमारे वैज्ञानिक इतने उसमें हैं कि देखिए हमारे 16 तारीख को इसको चंद्रयान 2 को करना था, थोड़ी सी कहीं चीज़ें उसमें उनको संभावनाएं दिखी और उन्होंने उसको 22 को यहाँ से भेजा हरिकोटा से। तो आज स्थिति है कि वो लास्ट डे जिस दिन उतरना है वो उसको मेंटेन रखे जी, कहीं भी उसमें दिक्कत नहीं थी। ये ऐसी संभावनाएं हैं जो हमारा विचार है कि ऐसी जगह पर पूरी ग्लेशियर इफेक्ट मिल सकता है, उसके अंदर हो सकता है कि कुछ गहराई में मिले। अगर ग्लेशियर का ऐसा अनुमान वहाँ मिल जाता है तो वहाँ जनजीवन की भी स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि देखिए पानी मुख्य है और अगर ग्लेशियर है और उसमें कहीं भी ऑक्सीजन की गुंजाइश हमने पैदा कर दी तो कोई भी जीव वहाँ सर्वाइव कर सकता है। तो ये एक बड़ी भारी खोज होने वाली है और जिसके लिए ये प्रयास किया गया है और इस प्रयास की सफलता पूर्णतः हमारे वैज्ञानिकों ने इसको अश्योर कर रखा और ये होनी ही है। बिल्कुल पीके सिंह जी, एक सवाल ये पैदा होता है कि कहा जाता है कि भारत का अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ये जो मिशन है चंद्रयान 2 एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पड़ाव है जी और बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन एक दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो इस अंतरिक्ष यात्रा का यह एक पहला चरण है जी। कहा यह भी जा रहा है कि अगर ये सफल रहा तो इसके आगे जाने की तो क्या संभावनाएं बनती हैं, कैसा प्लेटफॉर्म ये देगा जी। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। पहली चीज़ तो हम बता दें कि ये जो अभी घटनाक्रम हुआ है ये इसका जो सबसे उत्साहजनक पहलू ये है कि कोई भी जब हम लोग प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उसका कॉस्ट फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो ये चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट है मोटे तौर पे इसका जो इफेक्टिव कॉस्ट आई, लागत आई है वो लगभग 978 करोड़ रुपए के आसपास है जी। अब 978 करोड़ रुपए सुनने हमको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आप इसकी तुलना ऐसे कर सकते हैं कि अभी हाल में एक बहुत ही विदेशी फिल्म बहुत हिट हुई थी, द एवेंजर्स जी। उस एवेंजर्स फिल्म की लागत लगभग 2447 करोड़ रुपए थी। बिल्कुल, कई चंद्रयान उसमें हम भेज जी हम यानी कि जितने लागत में इस समय हमारे पास जो विकसित देश हैं एक सिनेमा का निर्माण कर रहे हैं उसकी 1/3 लागत में, 1/4 लागत में हमने इतने बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लिया और सफलतापूर्वक तरीके से हमने उसको भेज दिया। तो ये जो एक छोटी सी बात है इसमें से अगर आप ध्यान से देखिए तो आगे भविष्य के लिए बहुत ही शुभ संकेत छुपे हुए हैं कि किसी भी चीज को ठीक तरीके से संपादित करने के लिए कॉस्ट से ज्यादा, लागत से ज्यादा हमें उसके जो तैयारियां होती हैं उसके पीछे जो सूक्ष्म अध्ययन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आपने जैसे भविष्य के लिए कहा तो हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे। 1983 में हिंदुस्तान ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। 1983 से पहले और 1983 के बाद का माहौल आपको भी याद होगा कि अचानक 1983 के बाद देश में क्रिकेट के प्रति एक जबरदस्त क्रेज आ गया, हर बच्चा उसमें लगने लगा, यहां तक कि उनके माता पिता भी उनको डांटने से मना करने लगे। तो जब एक कोई घटना ऐसी होती है जो हमको व्यापक पटल पे ला देती है तो उससे जाहिर से बात है कि नई पीढ़ियां अपने आप, हमें नहीं मालूम है लेकिन ये छोटी घटना देखकर जाने कितने युवा, हो सकता है कोई किसी गांव के छोटे कस्बे पड़े हों, कोई बड़े शहर में पड़े हों, ये तमाम वैज्ञानिक उन सबके मन में एक आशा जगती है और यही आशा आगे चल के हमारे
विज्ञान के लिए, तकनीक के लिए और ये सारे क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब एक छोटी जानकारी आप सबको मालूम होगी, हम आपको दोहराना चाहेंगे कि हमारा ये जो मिशन है इसके प्रोजेक्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रही है वो हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी की, लखनऊ यूनिवर्सिटी की एलुमनाई रूप से वो भी अभिनंदन की पात्र हैं, अभिनंदन की पात्र हैं और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही है वहां पर। तो अब यही चीज है कि अगर उन्होंने लखनऊ से निकली और यहाँ पहुंच गई तो ये जो घटना है वो जाने कितने हजारों लाखों बच्चों को, युवाओं को प्रेरित करेगी और आगे चल के ऐसे हमें तमाम मिशन और चंद्रयान ऐसे जो है 2, 3, 4 सब दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि वन जो चंद्रयान वन गया उसने ये बताया कि चंद्रमा के इस क्षेत्र में पानी के मॉलिक्यूल है। एग्जैक्टली उसने पानी शब्द का भी नहीं इस्तेमाल किया, उसने कहा कि पानी के मॉलिक्यूल है। अब अभी जो जा रहे हैं हमारा उद्देश्य यह है कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस सतह में है, किस सब सतह में है, वो सब जानकारी मिलेगी। तो अनुजी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपने वहाँ की जो जमीनी स्थिति है उसको बताया, लेकिन वहाँ का वातावरण अगर हम कहें तो वो किस प्रकार का है? चंद्रमा पे किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं है, बहुत विरल है, बहुत स्कैंट है वायुमंडल जी। और चंद्रमा पे चुंबक मंडल भी नहीं है और यही बहुत बड़े कारण हैं चंद्रमा पे किसी भी प्रकार के जीवन के न होने के जी। इस वजह से क्योंकि सूरज के जो सोलर रेडिएशंस हैं, सूरज के विकिरण हैं और कॉस्मिक रेडिएशंस वो सीधे चंद्रमा की सतह पे पड़ते हैं और दिन का तापमान लगभग 140 डिग्री तक हो जाता है और रात का तापमान -180 डिग्री और कुछ इलाकों में तो -240 डिग्री तक हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां होने की वजह से ही चंद्रमा पे किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पनप सका। दूसरी चीज, चंद्रमा पे जल भी इस तरह, जल ऐसा है ही नहीं, ना वहाँ पे नदियां हैं, ना झीलें हैं, ना तालाब हैं, ना समुद्र है, ये कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ जल कहीं मिलेगा भी तो उसकी ये संभावना है कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो सकता है और जो दक्षिणी ध्रुव है उसके पास जो क्रेटर्स हैं वहाँ इसके होने की संभावना है, क्योंकि वो परमानेंटली शेडोड इलाके हैं, वो हमेशा सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं, हमेशा अंधेरे में रहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बहुत सारी बातें निकल करके आएंगी जब हमारा यान वहाँ पहुँचेगा, ऐसी जानकारियाँ भी देगा कि हमारी पीछे की तमाम सारे साहित्य, कविताएँ, कहानियाँ वो भी प्रभावित हो जाएंगी। अब देखिए, हमें हम तो ये समझते हैं कि भारतवर्ष में विज्ञान हमारे आदिकाल से रहा है और वैदिक काल से ही रहा है, क्योंकि चीज़ को जो अटैचमेंट या जो चीज़ें जोड़ी जाती हैं कहीं ना कहीं, चाहे हमारे बच्चों के साथ चंदा मामा से जोड़ दें, चाहे जैसे जोड़ दें, तो वो एक हमारे, जैसे डॉक्टर पी के सिंह साहब ने कहा, बहुत नज़दीकी है, 4 लाख के भीतर का ही प्लेनेट है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण चीज छुपी है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने भी उस पर अध्ययन कर रखा है। दूसरी बात यह है कि आज हमारी बढ़ती हुई वैज्ञानिक क्षेत्र की सफलता जो है, अभी भी देश, दूसरे देश इसको कहीं ना कहीं इसको स्वीकारता तो, जब कोई चीज़ हो जाती तो करते हैं, लेकिन उसमें सहायता करने के लिए नहीं। रशिया ने कुछ कंपोनेंट की बात की थी, मैं यहाँ आज फक्र के साथ कहता हूँ कि हमारे इंडियन वैज्ञानिकों ने उसको, उसकी लागत का 1/4 लागत में उसको तैयार किया और कुछ कंपोनेंट भले नासा से लिया। तो ये हमारी जो पारंपरिक चीज़ें रही हैं कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़ी हुई हैं, जिसलिए उसको कनेक्ट हमेशा किया गया है और आगे भी सफलता हमारे कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़े आने वाली सूचना लेके आ रही, जो कि हमारे ही देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए भी कोई ना कोई एक घटनाक्रम अच्छे शुभ संकेत देने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं से जो हमारा पुरातन है विश्व गुरु होने का, उसके भी संदेश जो है धीरे। डॉक्टर अनिरुद्ध, जिस तरीके से ये यान की सफलता रही, डॉक्टर पीके ने, सिंह जी ने और आपने भी बताया कि सस्ते में तैयार किया गया, वैज्ञानिक और अंतरिक्ष मेधा का जो है जबरदस्त किस्म का इसमें प्रयोग किया गया, क्योंकि एक बार वो फेल हुआ फिर भी समय पर ही पहुँच रहा है। दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश की मौजूदा स्थिति फिर क्या बनती है इस यान के पहुँचने के बाद? भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में है और चंद्रयान 2 भी कभी भी फेल नहीं हुआ, बल्कि उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया था उसकी लॉन्चिंग को। सो चंद्रयान 2 की जो सफलता है वो हमारे देश को एक अंतरिक्ष के क्षेत्र में महाशक्ति का दर्जा दिलाएगी, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास है, 2-3 देशों के पास ही ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है।
और दूसरा इससे टेक्नोलॉजी के बहुत सारे नए आयाम भी खुलेंगे, जैसे हम ये जानेंगे कि सूरज के विकिरण है, सूर्य के विकिरण, उनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। चंद्रमा के भूकंपों के अध्ययन से अभी हमें नई तकनीकों को जानने का मौका मिलेगा जिनको कि हम पृथ्वी पर अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। चंद्रमा पर जो जल की खोज होगी वो ऐसे होगी कि जैसे बहुत ही किसी सूखे ड्राई डेजर्ट में है, तो अगर वहाँ हम जल की खोज करते हैं तो उस तकनीक का यहाँ भी हम भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। सो मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन है पहली चीज, और दूसरी चीज जो एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसके क्षेत्र, इसके नए दरवाजे खुलेंगे, नए द्वार खुलेंगे, और इसमें हमारे युवा प्रोत्साहित होंगे इन क्षेत्रों में भी अध्ययनों के लिए। बिल्कुल, पीके सिंह जी 30 सेकंड में अगर कंक्लूड करें इसको तो क्या कहेंगे? जी देखिए, हर तरीके से चाहे हमारे पास वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत लंबी छलांग हमने लगाई, हमें इसे आने वाले समय में आर्थिक रूप से बहुत लाभ मिलेगा, जिस तरीके से हम दूसरे देश के तमाम सैटेलाइट ले जाके हमने विदेशी मुद्रा अर्जित की है, आगे आने वाले दिनों में हम इसका उपयोग भी करेंगे। साहित्य के क्षेत्र में आपने शुरुआत में अपने जो ओपनिंग लाइन में बताया, बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास चंद्रमा हमारे विभिन्न परिकल्पनाओं में रहता है। हो सकता है आने वाले समय में बच्चों की कविता बदल जाए, चंदा मामा दूर के बजाय हो सकता है चंदा मामा पास के हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद करवा चौथ के दिन हम लोग यही पृथ्वी से फोन करके वहां पूछ लेंगे कि कब आप निकल रहे हो। बिल्कुल, निश्चित रूप से चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा पास के होंगे, और यह ज्ञान प्राप्त करने का श्रेय विश्व गुरु कहलाने वाला भारत को एक बार फिर मिलेगा, हमारे देश के वैज्ञानिकों के कहीं ना कहीं उनकी मेधा की वजह से। चंद्रयान 2 की सफलता के लिए दूरदर्शन परिवार की ओर से, यहाँ पर स्टूडियो में बैठे मेहमानों की ओर से, और पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी हमारे दर्शक हैं उनकी ओर से एक सफल और सुखद कामना करते हुए कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की मेहनत जो है रंग लाए, देश का नाम दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, इसी कल्पना के साथ आज का यह कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। कल किसी और विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।